आजकल क्रिश्चियन धर्म भी बड़ा तेज हो रखा है, कन्वर्ट कर रहा है हिंदुओं को। दिल्ली में भी हो रहा है क्या काम? नहीं हो रहा ना? ध्यान रखना, हो रहा? ध्यान रखना थोड़ा, जैसे ही फादर दिखे उसे ग्रैंड फादर दिखा देना। मैं गया भी अफ्रीका, युगांडा, तो वहां की प्रधानमंत्री से मुझे मिलने का मौका मिला। सावन का महीना था, मैं भोलेनाथ ले गया। अब उनके पीछे जीसस थे, मैंने दिया तो उन्होंने जीसस के साथ रख दिया। मैं बोला, प्रधानमंत्री जी मेरा निवेदन है, स्वीकार करेंगे? यस यस, व्हाट यू वांट टू से? मैं कहा, प्लीज चेंज द प्लेस ऑफ माय भोले बाबा। बोले, कहां रखूं? थोड़ा ऊपर रख दीजिए। बोले, ऊपर क्यों रखना है? मैं, ये फादर हैं, ये ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर फादर के ऊपर होता है। नमस्कार, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर मेरी बात मैं कुछ और कह रहा हूँ और उसको समझने में कुछ और आ रही है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को जरूर सुने। युगांडा हम लोग गए पिछले दिनों और वहाँ के प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर आए और सावन का महीना था, हम भोलेनाथ की मूर्त लेकर गए थे, तस्वीर नहीं, मूर्त लेकर गए थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे जीसस क्राइस्ट की फोटो थी और वहाँ जगह कम थी तो वो रखने लगे, तो आधी जगह पर वो मूर्त रखी जा रही थी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इनको ऊपर, जगह खाली पड़ी ऊपर रख दीजिए, यहाँ मत रखिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इन्हें क्या कहते हैं। मैं कह, अब वो क्रिश्चियन थे, ऑब्वियसली हिंदी समझते नहीं थे, तो मैंने उनको कहा कि जैसे आप इन्हें फादर बोलते हैं, हम भोलेनाथ ग्रैंड फादर बोलते हैं। बस इतनी सी बात है और मैं सर्वोत्तम सारे धर्म है, सारे परमात्मा है, तो किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझ में कई बार भोला कुछ जाता है, समझ कुछ आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को समझें, उसको विचार करें, तब उसका विरोध करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर हमने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया है और अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो पुनः हम ऐसी बात नहीं करेंगे। नमस्कार, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर मेरी बात मैं कुछ और कह रहा हूँ और उसको समझने में कुछ और आ रही है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को जरूर सुने। युगांडा हम लोग गए पिछले दिनों और वहाँ के प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर आए और सावन का महीना था, हम भोलेनाथ की मूर्त लेकर गए थे, तस्वीर नहीं, मूर्त लेकर गए थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे जीसस क्राइस्ट की फोटो थी और वहाँ जगह कम थी तो वो रखने लगे, तो आधी जगह पर वो मूर्त रखी जा रही थी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इनको ऊपर, जगह खाली पड़ी ऊपर रख दीजिए, यहाँ मत रखिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इन्हें क्या कहते हैं। मैं कह, अब वो क्रिश्चियन थे, ऑब्वियसली हिंदी समझते नहीं थे, तो मैंने उनको कहा कि जैसे आप इन्हें फादर बोलते हैं, हम भोलेनाथ को ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो बस इतनी सी बात है और मैं सर्वोत्तम सारे धर्म है, सारे परमात्मा है, तो किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझ में कई बार भोला कुछ जाता है, समझ कुछ आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को समझें, उसको विचार करें, तब उसका विरोध करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर हमने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया है और अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो पुनः हम ऐसी बात नहीं करेंगे। नमस्कार, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर मेरी बात मैं कुछ और कह रहा हूँ और उसको समझने में कुछ और आ रही है, तो मैं सभी से